आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अमेजिंग ड्रिंक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसका नाम है मैंगो एंड स्ट्रॉबेरी मार्टिनी। अभी मैंगो की सीज़न शुरू ही हो रही है एंड स्ट्रॉबेरी की सीज़न ऑलमोस्ट जा रही है, तो ये करेक्ट टाइम है इसी टाइम पे मैंगो एंड स्ट्रॉबेरी मार्टिनी बनाने का। तो मैं पहले एक शेकर ले लेती हूँ। आपके पास शेकर नहीं है, कोई बात नहीं, नॉर्मल सी आप एक कांच की बोतल, प्लास्टिक की बोतल भी ले सकते हैं। और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ ये मैंगो का, फ्रेश मैंगो का पल्प मैंने निकाला हुआ है, तो ये हम ले लेंगे। ये मैंने 3/4 कप लिया है। आप अपने सर्विंग ग्लास के साइज के हिसाब से मैंगो पल्प की क्वांटिटी कम या ज्यादा कर सकते हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये आइस के क्यूब्स। एक्चुअली आप चाहो तो आइस क्यूब्स मार्टिनी ग्लास में भर के आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, ताकि ग्लास भी एकदम चिल्ड रहे, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। हम शेकर में ही अच्छा खासा आइस ऐड कर रहे हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये मेरे पास फ्रेश पुदीने के पत्ते हैं। एक्चुअली मैंगो के साथ बेजिल भी बहुत अच्छा लगता है, और मैंगो के साथ चिली भी बहुत अच्छी लगती है, तो ये पुदीने के पत्ते बस मैं हल्के से तोड़ के शेकर में ऐड कर देती हूँ। एक माइल्ड सी महक चाहिए मुझे पुदीने की। ये जो मैंगो का पल्प मैंने लिया हुआ था, इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया था, कोई भी शक्कर या कुछ भी ऐड नहीं किया था, क्योंकि अभी मैं इसके अंदर स्प्राइट ऐड करने वाली हूँ। आप कोई भी लेमन बेस्ड ड्रिंक ऐड कर सकते हैं, और आज तो मैं ये जो ड्रिंक बना रही हूँ वो वर्जिन ड्रिंक बना रही हूँ, पर अगर आपको इसमें रम या वोडका ऐड करना है तो वो आप यही स्टेज पे कर सकते हैं। 30 ml, 60 ml, आपकी मर्जी है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये स्प्राइट लिया है मैंने, ये हम ऐड कर देंगे। और मैं ये शेकर को बंद कर देती हूँ। एंड अभी आता है फन पार्ट। ये मैंगो मार्टिनी तो रेडी है, पर जो मार्टिनी ग्लास है उसको मुझे डेकोरेट करना है। तो मैंने यहाँ पे प्लेट में ढेर सारा नमक लिया हुआ है। जनरली जो मार्टिनी होती है उसके ग्लास पे एक बहुत अच्छी रिम बनाते हैं, मैं वो ट्राई कर रही हूँ। और जैसे कि मैंने कहा था, मैंगो के साथ चिली पाउडर भी बहुत अच्छा लगता है। इवन स्प्राइट में भी एक ग्रीन चिली आप डाल के पीते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे ये कश्मीरी मिर्च का पाउडर लिया है, क्योंकि मुझे बहुत तीखा नहीं चाहिए। ये मैं थोड़ा सा लेके नमक के साथ मिला लेती हूँ, एक माइल्ड सा रेड कलर आ जाएगा। और अब एक नींबू लेके ये जो ग्लासेस की रिम है उस पे मैं लगा देती हूँ। और अब हम इसको डिप करेंगे ये नमक एंड मिर्ची वाले मिक्सचर में। ये देखिए, ये फैंसी डेकोरेशन रेडी है। ये मेरे पास कुछ चॉप की हुई स्ट्रॉबेरीज है, इसमें भी मैंने शक्कर नहीं ऐड की है। अगर आप चाहो तो हल्की सी शक्कर इसमें ज़रूर ऐड कर सकते हो। ये मैं लेके पहले ग्लास के बेस में रख देती हूँ। और अब बारी आती है ये मैंगो मार्टिनी पोर करने की। और अब ये ग्लास के साइड में मैं एक ऐसे स्ट्रॉबेरी लगा देती हूँ, और बस रख देते हैं एक पुदीने का पत्ता। तो लीजिए, तैयार है ब्यूटीफुल लुकिंग ड्रिंक स्ट्रॉबेरी एंड मैंगो मार्टिनी। चीयर्स। अब मैं खुद की तारीफ क्या करूं, पर इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगी। अमेजिंग।